गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल. टुडे वी विल रिवाइज लेसन नंबर 5 एंड द लेसन नेम इज द वर्जर. हेयर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. हु वाज एल्बर्ट एडवर्ड? वेयर डिड ही वर्क? एल्बर्ट एडवर्ड कौन था और वो कहाँ काम करता था? आंसर इज एल्बर्ट एडवर्ड वाज अ वर्जर इन द चर्च ऑफ सेंट पीटर नेवली स्क्वायर. सेंट पीटर नेवली स्क्वायर में एल्बर्ट एडवर्ड वर्जर के रूप में काम करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यू वाइकर वाज अपॉइंटेड? नया वाइकर जब आया तब क्या हुआ? आंसर इज न्यू वाइकर डिस्कवर्ड दैट द वर्जर कुड नाइदर रीड नोर राइट. नए वाइकर को पता चला कि ना तो वर्जर लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है. चर्च का वर्जर ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है. ही इशूज एन अल्टीमेटम. अल्टीमेटम मीन्स टाइम दे देना. उसने एल्बर्ट एडवर्ड को टाइम दिया दैट कि ही लर्न वो सीख ले टू रीड एंड राइट पढ़ना और लिखना विद इन 3 मंथ्स. 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो पढ़ना और लिखना सीख ले और एल्स नहीं तो ही लॉसेस हिज जॉब. उसकी जॉब चली जाएगी. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक क्या आप सोचते हैं द वाइकर जो वाइकर था मेड द राइट डिसीजन. उसने डिसीजन सही लिया. कौन सा डिसीजन? कि अगर एल्बर्ट एडवर्ड को पढ़ना नहीं आया, वर्जर को पढ़ना लिखना नहीं आया तो वो उसे जॉब से निकाल देगा. तो आंसर है नो, द वाइकर हैड नॉट टेकन द राइट डिसीजन. नहीं, वाइकर ने डिसीजन सही नहीं लिया क्योंकि वर्जर को उस चर्च में काम करते हुए बहुत टाइम हो गया था जिसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस हो गया था. इस वजह से उसे पढ़ने और लिखना सीखने की उसे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी. उसके लिए सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर करता था. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड एल्बर्ट एडवर्ड फील व्हेन ही लेफ्ट द चर्च? जब एल्बर्ट एडवर्ड को चर्च से जाने के लिए बोल दिया गया, मतलब उसे उसकी जॉब छोड़नी पड़ी, तो उसे कैसा महसूस हो रहा था? आंसर इज देयर, एल्बर्ट एडवर्ड हैड क्लोज द डोर विद हिज यूजुअल पोलाइटनेस. जितना पोलाइट वो हमेशा रहता था, जितना नम्र वो हमेशा ही रहता था, उसी आराम से उसी तरीके से एल्बर्ट एडवर्ड ने चर्च के दरवाजे को बंद किया, चर्च को बंद किया. ही वॉज सैड, वो उदास था, एंड इन डीप थाट्स, और वो विचारों में खोया हुआ था. हिज हर्ट वॉज हैवी, उसका दिल भरा हुआ था. सो ही वॉक्ड स्लोली, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आइडिया केम इन टू हिज माइंड? उसके दिमाग में क्या विचार आया? एल्बर्ट एडवर्ड वॉन्टेड अ सिगरेट. एल्बर्ट एडवर्ड क्योंकि टेंशन में था इसलिए वो एक सिगरेट पीना चाहता था. इन दैट लॉन्ग स्ट्रीट, इतनी उस लंबी सड़क पर, देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ शॉप, हर तरीके की वहाँ दुकान थी. बट देयर वॉज नॉट अ सिंगल वन वेयर ही कुड बाय सिगरेट. लेकिन वहाँ एक भी सिगरेट की शॉप नहीं थी जहाँ से वो सिगरेट खरीद सके. द आइडिया ऑफ ओपनिंग अ सिगरेट शॉप कम इनटू हिज माइंड. इसी वजह से उसके दिमाग में सिगरेट की शॉप खोलने का आइडिया आया. हेयर इज अवर क्वेश्चन नंबर 6. What gave him the idea to acquire more shops? Acquire means और ले लेना या हासिल कर लेना या किराए पर ले लेना. उसके दिमाग में ज़्यादा दुकानें लेने का, ज़्यादा shops लेने का आइडिया किस वजह से आया? Answer is Albert Edward did so well in this. In this means जो उसने काम start किया था सिगरेट सेल करने का और साथ में न्यूज़ एजेंट का, वो काम बहुत अच्छा चल रहा था. ही टुक सेकेंड शॉप, उसने दूसरी दुकान खरीदी. शॉप पुट अ मैनेजर, उसने एक मैनेजर को रखा इन उसमें. देन ही थॉट, फिर उसने सोचा, इफ़ ही कुड रन टू, अगर वो 2 शॉप्स को चला सकता है, ही कुड रन अ डजन, और वो इस तरीके की दर्जनों शॉप्स चला सकता है. इन 10 ईयर्स, 10 सालों में ही एक्वायर, उसके पास हो गई नो लेस देन 10 शॉप्स. 10 शॉप से कम उसके पास शॉप्स नहीं थी. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर
लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द बैंक मैनेजर शॉक्ड? बैंक मैनेजर शॉक्ड क्यों हो गया? द बैंक मैनेजर वाज शॉक्ड एंड जंप्ड अप, वो शॉक हो गया और एकदम से उछल पड़ा अपनी चेयर से, टू नो, ये जानकर, दैट एल्बर्ट हैड बिल्ड अप द बिजनेस, एल्बर्ट एडवर्ड ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, खड़ा किया है, एंड अशेम्ड द वेल्थ अमेस्ड, अमेस्ड मीन्स इतनी ज़्यादा वेल्थ, पैसा, विदाउट बीइंग एबल टू रीड एंड राइट, बिना पढ़ा लिखा होते हुए भी उसने अपने बिजनेस को खड़ा किया है, इस वजह से मैनेजर शॉक्ड हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।